मेरे साथ जो है मोहम्मद फसीउद्दीन, कि ये उनके वालिद हैं और ये उनकी वालिदा है। ये मोहम्मद फसीउद्दीन के दादा है। ये लोग जो है, ये मोहम्मद फसीउद्दीन हैं, ये लोग जो है महबूब नगर के रहने वाले हैं। तो इनका लड़का मोहम्मद फसीउद्दीन जो है पोलैंड को 23 मई 2017 को काम के लिए कुछ गया था। वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के हैसियत से काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जो है पोलैंड में पुलिस ने इनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ये लोगों को जो मालूम हुआ, 2 दिसंबर 2019 के दिन इनको एक टेलीफोन आया पोलैंड की पुलिस या कोई इनके लड़के के साथ जो दोस्त अहबाब रहते वो लोग फ़ोन करके ये बोले कि आपके लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये लोग मेरे पास जो है 5 मार्च 2020 को आए थे, मार्च के महीने में आए थे। तो हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को ये लेटर लिखे थे। तो उसी वक्त पे 6 मार्च के दिन मुझे पोलैंड के एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड से ये लेटर आया था कि हम इनकी कार्रवाई कर रहे हैं, आपके लड़के को जो है कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनके लड़के को गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले तो 5 मार्च को हम लेटर लिखे, 6 को जवाब आया। उसके बाद से फिर कोई वहाँ से इंडियन एम्बेसी पोलैंड से भी कोई हमारे को नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से भी हमारे को कोई इसका जवाब नहीं मिल रहा। तो अब फिर कई दिन से ये लोग मेरे से रब्त में थे। लॉकडाउन आ गया 22 मार्च से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आ गया, बच्चा जेल में है। तो अब ये लोग मेरे कने फिर से आए। मैं जो है हमारे मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर कृष्णन साहब से मेरी अपील है और हमारे इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड से आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कृष्णन एंड इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड टू हायर ए गुड लॉयर एंड गेट रिलीज मोहम्मद फसीउद्दीन हु इज़ इन पोलैंड जेल सो दैट दिस पुअर। ये लोग बहुत गरीब है, ये लोग, इनका एक ही बेटा है। और सबसे हैरत मज़े की बात यह है कि एक ही लड़का है इनका, कमाने के लिए गया था वहाँ पर। घर के हालात ठीक नहीं है, बेचारे दादा बहुत परेशान है, वालदा बहुत परेशान है, वालिद बहुत परेशान है। सो आई रिक्वेस्ट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड टू हायर ए गुड एडवोकेट एंड गेट हिम आउट ऑफ जेल। उमन तो ये हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के, यानी पूरे जितने भी कोई हिंदुस्तानी अगर जेल में है, दुबई में, मस्कत, ओमान, सऊदी अरबिया, कोरोना की तरफ से सारों को छोड़ दिया जा रहा है, पूरों को छोड़ दे रहे हैं। तो हो सकता है कि, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर इसकी सही कार्रवाई करी तो इनको भी बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, आप बोलिए, आप बोलो क्या है, आपके बच्चा क्या चाह रहे हैं आप, मेरे बच्चे को वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ है आपका बच्चा वो बोलिए, पोलैंड में है, वहाँ क्या नाम है से आपके बच्चे का। मोहम्मद फसीउद्दीन मेरे लड़के का नाम है। वो लड़का मेरा पोलैंड में फंसा हुआ है, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की गवर्नमेंट अगर हमारी थोड़ी हेल्प करके हमारे बच्चे को अगर छुड़ा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप बोलो, आप जोर से बात। मोहम्मद फसीउद्दीन की मम्मी हूँ मैं। पोलैंड में मेरा बच्चा जेल में फंसा हुआ है, एम्बेसी से गुजारिश करती हूँ मेरे बच्चे को, हुकूमत से इंजेंसी करती हूँ गुजारिश, मेरे बच्चे जितने जल्दी हो सकता उतना जल्दी भेज देती हूँ। मेरे एक ही लड़का है सर, मुझे अभी कर रही, मैं माफी चाह रही हूँ आपको, बोलिए मेरे मरते को जल्दी भेजो साहब, मेरा बच्चा एक ही छः साहब, मेरे पूछे जाना, मैं गरीब हूँ साहब, मेरे बच्चे औरत बच्चा है साहब, मेरा मेरा आपसे गुजारिश कर रही हूँ साहब भाई, मेरा बच्चा की आपकी गुजारिश से जल्दी भेजो तो अच्छा है साहब, आपकी गुजारिश करिए साहब। ठीक,